एक तरफ उनका परिवार और दूसरी तरफ दबंग, वो दबंग जो उनकी पिटाई करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको बेइज्जत करते हैं, यहाँ तक कि उनकी बहु बेटियों की इज्जत तक को नीलाम कर देते हैं। उन लोगों को अपनी हिफाजत के लिए पुलिस से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी तरह से नाकामी साबित हो रही है। गाजियाबाद में हो रही हलचल, बुरे हालात में फंस चुके हैं लोग, दबंगों ने कर दिया जीना निर्माण, मजलूमों ने की प्रशासन को चेतावनी, दबंगों के खिलाफ कड़ा कार्रवाई, वरना हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। अजीब सभा कर गाजियाबाद के बनमिता गांव का, जहां कुछ दिनों पहले दलित परिवार की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। अपने साथ इस वारदात में युवती को कुछ ऐसा सदमा लगा कि उसने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी बबलू यादव और रंजू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की से लिपटे उसके साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। लड़की पे जो बर्दाश्त नहीं हुई उन्होंने तेल छिड़क कर आग लगा ली। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़ित दलित परिवार की माने तो आरोपियों के परिजनों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप उन पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हद तक तब हो गई जब छात्रों की शोक सभा के दौरान पूर्व प्रधान नीलू यादव वहां धमका और पीड़ित परिवार और उसके रिश्तेदारों को पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों का आरोप कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की और जब गांव के लोगों ने उन्हें बचाना चाहा तो उनकी पिटाई की गई। ये मामला पिछले कई दिनों से यूं ही चला रहा है। पीड़ित बस्ती वालों की माने तो अक्सर ही बबलू यादव और रिंकू यादव के परिजन उनकी पिटाई करते हैं। इस वजह से वैसे अपने घरों में रात गुजारने से भी कतरा रहे हैं। ये सभी लोग एक साथ ही रहने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर कोई हमला न कर सके। रोज रोज की गुल्लक से तंग आकर गाँव वालों ने एक फैसला कर लिया और फैसला क्रम परिवर्तन। जी क्रम परिवर्तन, इस बस्ती में रहने वाले करीब 1000 लोगों ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया और साथ ही प्रशासन को धमकी दी कि अगर वो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो सभी अपना धर्म बदल लेंगे। चाहे सिख बने कुछ बने, और अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो आप सबसे पूछ लो, मैं भी तैयार बिल्कुल, भाई तुम भी तैयार हो। वही पुलिस का कहना है कि बस्ती में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और साथ ही हिफाजत का लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मिली कि इस पक्ष को, पीड़ित पक्ष के परिवार वालों को एक वहां के पूर्व प्रधान ने जाकर कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही या धमकाने की बात कही, तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और तहरीर लेकर एक मुकदमा लिखा गया। परिवार ये कह रहे हैं कि इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धर्म परिवर्तन की बात है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और जहां तक पुलिस कार्रवाई का सवाल है पूरी शत प्रतिशत कार्रवाई की गई। गाजियाबाद के बमेटा गांव में एक युवती के स्टाफ ने गैंगरेप की वारदात के बाद उस युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, क्योंकि युवती को न्याय नहीं मिला था। अब इस वारदात के बाद युवती का परिवार काफी सदमे में है, क्योंकि युवती का इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। अब बमेटा गांव के दलित परिवार अपना धर्म परिवर्तन करने पर बाध्य है, क्योंकि उनका मानना है धर्म परिवर्तन के बाद इस सरकार में उनकी सुनवाई की जाएगी। जब दलित परिवारों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना था, या तो हम सिख धर्म अपनाएंगे या ईसाई धर्म, या हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन हम जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन शाहरुख मलिक के साथ जितेंद्र, साधना प्राइम न्यूज़,
बमेटा। सभी लोग बहुत खुश हैं।